नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड हेडिंग फर्स्ट। हेडिंग फर्स्ट, इनका टेन्योर था साल 1844 से 1848 तक, और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहला एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा पंजाब के बारे में और कैसे महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर का राइज किया। चलते हैं 1780s में, तब पंजाब में 12 मिसल्स थी और 1792 तक आते आते 11 मिसल्स इंटीग्रेट या खत्म हो चुके थे और मात्र एक मिसल शुक्रचकिया जो कि महाराजा रणजीत सिंह के अंडर थी, सिर्फ वो बची थी। और 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर कर लिया और 1802 तक अमृतसर को भी एक्वायर कर लिया। यानी कि 18th सेंचुरी की स्टार्ट में रणजीत सिंह ने पंजाब की रिलीजियस कैपिटल विच इज अमृतसर और सेंटर ऑफ पंजाब दैट इज लाहौर दोनों पे अपना कंट्रोल कर लिया था। फिर 1797 में अफगानिस्तान के राजा जमन शाह ने रणजीत सिंह पे अटैक किया, पर रणजीत सिंह ने मात्र 17 साल की उम्र में जमन शाह को हरा दिया, जिससे रणजीत सिंह की बहुत वाहवाही भी हुई पंजाब। फिर ठीक एक साल बाद यानी कि 1798 में जमन शाह ने फिर से रणजीत सिंह पर अटैक किया और परिणाम इस बार भी वही था, मतलब रणजीत सिंह ने फिर से जमन शाह को हरा दिया। और 18th सेंचुरी की स्टार्ट में रणजीत सिंह ने सब मिसल्स पे अपना डोमिनेंस कर लिया थ्रू फ्रेंडली अलाइंस या मैरिज अलाइंस और या डिफीट, यानी कि जिनसे बात नहीं बन पाती थी उस मिसल्स को हरा देते थे। और इस तरह 1801 तक रणजीत सिंह ने सतलज रिवर के नॉर्थ तक सिख अंपायर की रचना कर दी और साथ ही साथ एक पावरफुल और डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड आर्मी भी फॉर्म करी ऑन द यूरोपियन लाइंस। तो ये हमने अभी देखा कि कैसे सिख अंपायर का राइज हुआ अंडर महाराजा रणजीत सिंह। और अब देखते हैं कि ब्रिटिश का ध्यान पंजाब पर क्यों गया। ट्रीटी ऑफ तिलसित साइन हुई थी 1807 में बिटवीन रशिया एंड नेपोलियन, एंड इस ट्रीटी में ये प्रोविजन था कि इंडिया को इन्वेट किया जाएगा थ्रू लैंड रूट। अब ये ट्रीटी का प्रोविजन देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलर्ट हो गई और उन्होंने सोचा कि लैंड रूट के वे में चार रीजन्स पड़ेंगे, ईरान, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। और अगर ये चारों रीजन्स पर अगर ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाएगा तो रशिया और फ्रांस के इन्वेजन का खतरा काफी हद तक काउंटर हो जाएगा। बस क्या फिर ब्रिटिशर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इन सभी रीजन्स में भेजे और उनको कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। अफगानिस्तान और सिंध का पूरा डिटेल मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चाहे तो टेल्स ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। पंजाब में चार्ल्स मेटकॉल्फ मुलाकात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह से और उनको प्रपोजल देते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई पंजाब पे अटैक करेगा तो उस सिनेरियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प के लिए आएगी। और दूसरा ये था कि सतलज रिवर के नॉर्थ को बाउंड्री समझा जाएगा बिटवीन पंजाब एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ज्यादातर कंट्रोल रणजीत सिंह का सतलज रिवर के नॉर्थ साइड ही था। अब ये अलायंस सुनकर रणजीत सिंह ने अपनी दो कंडीशंस रखी। पहली, अंग्रेज न्यूट्रल रहेंगे इनकेस सिख और अफगान वॉर होती है तो, और दूसरी कंडीशन थी रणजीत सिंह को रूलर कंसीडर करना होगा ऑफ द इंटायर पंजाब इंक्लूडिंग मालवा टेरिटरीज जो कि सतलज रिवर के बियॉन्ड थी। अब ये दोनों कंडीशन सुन के चार्ल्स मेटकॉफ थोड़ी चिंतन किए और बोले ना हो पाएगा और ये ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस ना हो पाया। पर 1809 तक आते आते पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल चुका था और ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा असर्टिव हो गए थे अगेंस्ट रणजीत सिंह और एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह में साल 1809 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि रणजीत सिंह सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे और उसके नॉर्थ में जितनी भी एरियाज हैं वहां वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स ऐसे में उनको रोक नहीं सकते हैं। फिर साल 1818 में रणजीत सिंह मुल्तान को कैप्चर करते हैं, फिर 1819 में कश्मीर को और 1834 में सिख किंगडम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था अंडर रणजीत सिंह। पर जून 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और यहीं से सिख किंगडम वीक होने लगता है, क्योंकि रणजीत सिंह के बाद जितने भी लीडर्स आए उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रही जो कि महाराजा रणजीत सिंह में थी। अब इधर सिख किंगडम डिक्लाइन हो रहा था और ब्रिटिशर्स काफी स्ट्रांग हो चुके थे। 1842 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर खत्म हो चुकी थी, 1843 में फिर सिंध एनेक्स हो गया था,
फिर 1844 में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आते हैं भारत और उनका टारगेट था पंजाब, क्योंकि लाहौर किंगडम वीक हो रहा था। दैट्स व्हाई लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने इसका फायदा उठाने का सोचा और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सी ट्रूप्स खड़ी कर दी नियर सतलज बॉर्डर। अब जब सतलज बॉर्डर पे ब्रिटिश ट्रूप्स को देखा तो इसके रिस्पॉन्स में सिख आर्मी भी सतलज बॉर्डर के करीब आ गई और दिसंबर 1845 में सिख आर्मी ने सतलज नदी को क्रॉस कर दिया। बस लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट को बहाना मिल गया कि सिख आर्मी ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को वॉयलेट किया है, दैट्स व्हाई अब होगी लड़ाई भैया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत होती है 1845 में और 1846 में खत्म होती है, जिसमें सिख किंगडम की हार हो जाती है। और जब हार होती है तो फिर सिलसिला शुरू होता है ट्रीटीज का। पहली ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो कि साल 1846 में साइन हुई थी, जिसमें जो भी खर्चा हुआ है वॉर में वो पूरा पंजाब को देना होगा। फिर लाहौर में ब्रिटिश रेसिडेंसी भी बनाई जाएगी, दलीप सिंह को एज लीडर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब देखिए, ये जो वॉर का खर्चा था ना, वो था 1 करोड़ रुपए, जो सिख एम्पायर उस टाइम नहीं दे पा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू सेल कर दिया गुलाब सिंह को, जिसके बदले कंपनी को 75 लाख रुपए मिले। अब सिक्स ट्रीटी ऑफ लाहौर से खुश नहीं थे, स्पेशली जो कश्मीर उनसे ले लिया गया था। दैट्स व्हाई सिख ने रेबल कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, पर ये रेबल को सप्रेस कर दिया गया बाय कंपनी ट्रूप्स। और जिसके बाद एक और ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ भैरोवल, जिसमें एक रेजेंसी काउंसिल सेटअप किया गया पंजाब में, जिसमें 8 सिख सरदार होंगे, जिनको प्रिसाइड करेंगे इंग्लिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस। इस ट्रीटी से हुआ कि ब्रिटिश रेसिडेंट रूलर बन गए पंजाब के और पंजाब अपनी इंडिपेंडेंस खो दिया और एक वेसल स्टेट हो गया। तो ये थी पूरी कहानी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, जो खत्म हुआ अंडर लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। अब देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के दौरान और क्या क्या हुआ था। इनके टेन्योर के दौरान काफी सोशल रिफॉर्म्स भी हुए थे, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये सब एबॉलिश किया गया था। इनके टेन्योर के दौरान ब्रिटिश टेन्योर का एक्सपेंशन हुआ था, विच इज द एरिया बिटवीन बियास एंड द सतलज। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट की। उम्मीद है आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। अपने फेलो एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में वो डाउट पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।